हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आपके लिए इस वर्ष एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, जो अपने आप में आप कह सकते हैं एक लेजेंडरी जॉब है। एक बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल के साथ में उत्तर प्रदेश में वन विभाग द्वारा आगामी ये जो समय चल रहा है, आगामी जो माह हैं उनमें वन विभाग में वन क्षेत्राधिकारी एवं वन दरोगा की भर्ती आयोजित की जानी है। इसके संदर्भ में बहुत सारी बात YouTube पर भी हो रही है। आज इसका पूरी तरह से विश्लेषण हम करने वाले हैं और सारी सच्चाई मैं आपके इसके सामने रखने वाला हूं। ये बात तो निश्चित है कि भर्ती आएगी ही, क्योंकि एक लंबे समय से वन दरोगा की भर्ती नहीं आई है और दरोगा दरोगा ही होता है, ठीक है, चाहे वह सिविल पुलिस में हो या वह वन विभाग में। और वन विभाग के दरोगा की भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, 2 स्टार वो होता है। तो कुल मिलाकर अभी जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि कुल कितने पदों पर, क्योंकि कोई कुछ पदों पर बता रहा है, कोई कुछ पदों पर बता रहा है, और कब तक भर्ती आ सकती है, क्या शैक्षणिक अर्हता है, क्या योग्यताएं हैं, ठीक है, क्या फिजिकल है और क्या आयु सीमा है। ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखनी है, आपका एक एक मिथक दूर हो जाएगा। साथ में यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक अपडेट रहेगी, जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा वो बिल्कुल निःशुल्क है और आप लोगों के हित में है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई 2900+ पद हैं। अभी ये बात बताने के बाद मैं आपको आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ। और 7 मार्च को एक विज्ञप्ति जारी हुई थी क्षेत्रीय वन विभाग अधिकारी के बारे में और आपके क्षेत्रीय वन अधिकारी के बारे में और वन दरोगों की सेवा नियमावली के संबंध में। बहुत सारे लोग उसको नोटिफिकेशन की तरह से पेश कर रहे हैं, वह कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, वह वन विभाग के आपसी पत्र व्यवहार का एक परिचायक है, एक नोटिस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो। उसका ये मतलब नहीं है कि भर्ती अभी ही आ रही है, भर्ती कभी भी आ सकती है, अगले माह भी आ सकती है या 6 माह बाद भी आ सकती है या अगले साल भी जा सकती है। भर्ती का अभी कोई भी अता पता नहीं है। परंतु यदि पदों की बात की जाए तो ये बात सरासर गलत है। जो अभी आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देखेंगे उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। योग्यता, अर्हता और आयु सीमा एक बार आप उस लैपटॉप की स्क्रीन पर चलकर देख लीजिए उस नोटिस को। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में वन विभाग में वन दरोगाओं की, यानी कि रेंजर जिनको आप कह सकते हैं, उनकी वैकेंसी निकलने वाली है। और इसकी मतलब ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ये एक नोटिफिकेशन निकला था, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा। तारीख क्या थी? 7 मार्च 2022, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतने दिन में अपडेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में ठीक से जानकारी निकालनी थी कि ये नोटिफिकेशन किस बारे में है, कैसे है, सारी चीज़ें हैं। आप ध्यान से मेरी बात सुनते जाइए, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि वैकेंसीज किस तरह आएंगी, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनते जाइए। सबसे पहले तो ये जो लेटर है, जो भी ये मतलब नोटिस है, ये इन इन लोगों को लिखा गया है कि प्रधान मुख्य है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। विषय इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विषय पे ध्यान देना जरूरी है। विषय में क्या कहा जा रहा है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा सेवा नियमावली 2021 के संबंध में। यानी कि यहाँ पर किसी भी भर्ती के बारे में अभी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सेवा नियमावली के संबंध में बात की जा रही है। यानी कि सेवा नियमावली के संबंध में बात करने का मतलब यह है कि आगामी समय में आपको ये बड़ी भर्ती देखने के लिए मिल सकती है और बहुत अच्छी जॉब ये मानी जाती है, ठीक है। बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ठीक है। यहाँ पे पूरी जानकारी है कि भाई हम सेवा नियमावली आपको संलग्न कर रहे हैं, उस पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, थोड़ा देखें उसको क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से पूरा कह दिया गया है। अब मैं सीधा सेवा नियमावली की तरफ आगे बढ़ता हूँ। देखो, ये पूरी की पूरी सरकारी गजट उत्तर प्रदेश असाधारण, ये पूरा का पूरा सेवा नियमावली है, किसकी? आपके क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं वन दरोगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है जो मैंने हाईलाइट यहाँ पॉइंट कर रखे हैं, सेवा की परिस्थिति, मतलब सेवा जो है वो कैसी सेवा है। तो ये जो आपकी उप क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं वन दरोगा की जो सेवा है, ये ग्रुप सी की जॉब है। कैसी है? ग्रुप सी की जॉब है। यानी कि आप UPSI की अगर बात करें, आप सब इंस्पेक्टर की पुलिस में बात करें, तो वन दरोगा उसके इक्विवेलेंट ही बैठता है,
ये 4200 ग्रेड पे है, और जहां तक उम्मीद है ये भी 4200 ग्रेड पे ही आपका यहाँ पर बैठने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, भाग दो संवर्ग की बात की जा रही है कि भाई इसको पढ़ दें एक बार, कि जब तक कि उपनियम एक के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाए, ठीक है, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी की पद उतने ही रहेंगे जितने नीचे दिए जा रहे हैं। यानी कि जब भी भर्ती निकाली जाएगी, यहाँ पे क्या लिखा है कि सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए। यानी कि अभी आपकी वैकेंसी, कुछ लोग मतलब ऐसे बता रहे थे कि भाई 2900 प्लस आसपास वैकेंसी है, क्योंकि वो इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये देखो 23 और 5 है ना, 28 और 29 ही के आसपास ही हो जाता है, 2900 के आसपास भर्ती दिखा रहे थे, पर यहाँ पर इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि इतनी वैकेंसी आपकी आने वाली है, ठीक है। ये बात आपको बता दूं, इसमें ये लिखा है कि सरकार द्वारा समय समय पर मतलब बात रखी जाएगी, सरकार जितना चाहेगी उतने पद निकलेंगे। और दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि यदि सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का आदेश नहीं आता तो जब भी मतलब पद निकाले जाएंगे तो वो इस क्रम में निकाले जाएंगे, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के जो पद निकलेंगे वो 564 होंगे और वन दरोगा के जो पद होंगे वो आपके 2338 पद होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं भरे कैसे कैसे जाएंगे, ये फिगर आप अपना ध्यान में रखना, 564 और 2338। अब भर्ती कैसे होगी, तो यहां पर सीधे सीधे आप बात समझ लीजिए, जो उप क्षेत्रीय वन अधिकारी है इसकी जो नियुक्ति होगी, मौलिक रूप से नियुक्त तो ऐसे वन दरोगाओं जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, यानी कि इसमें पदोन्नति द्वारा, प्रमोशन द्वारा उप क्षेत्रीय वन अधिकारी मिलेगा, सीधी भर्ती कोई नहीं होगी। तो ये आपके जो 564 पद थे ये खत्म, आपका तो कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है, आप नहीं है, तो ये बचे। अब बचे हमारे पास 2338 पद, ठीक है। अब ये 2338 जो पद बचे हैं इनमें भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पद भरे जाएंगे, पहली कंडीशन है कि सरकार नियुक्त करे, सरकार डिसाइड करे कितने पदों पर भरना है। अगर सरकार डिसाइड नहीं कर रही है तो इस तरह से पद निकलेंगे, 564 क्षेत्रीय वन अधिकारी के और 2338 पद निकलेंगे आपके इसके वन दरोगा के, और 564 पद जो पहले से वन विभाग में वन दरोगा है उनको प्रोन्नति द्वारा दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर सर्विस, है ना, वो 5 साल की कंप्लीट कर लेगा सर्विस। अब वन दरोगाओं की बात करते हैं, वन दरोगाओं के जो 2338 पद हैं ये नहीं है कि ये सारे के सारे पद आपके सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, इसमें 50% पद आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे जो आयोग करवाएगा, संभवतः पैट जिन्होंने दिया है पैट के बाद ही ये भर्ती आएगी, और वन विभाग की भर्तियां UP SSC करवाते हैं, और 50% होंगी प्रमोशन से। यहाँ पे देख लीजिए आप, बंद रहोगा पॉइंट नंबर एक, 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी, और पॉइंट नंबर दो, 50% मौलिक रूप से नियुक्त वन रक्षक जो मतलब कह सकते हैं आप वन विभाग में सिपाही हैं, वन्य जीव रक्षक हैं, जिन्हें 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर दी है उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो अब इन 2338 में से भी आप लगाएं कितने पद बैठ जाएंगे, 1200 प्लस पद आपके इसमें बैठ जाएंगे, ठीक है, 1200 प्लस पद इसमें बैठ जाएंगे। अब क्या, अब मतलब योग्यता क्या है, शैक्षणिक अर्हता क्या है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता है, आपने वन दरोगा पद के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बोटनी में, जूलॉजी में, और ये वानिकी फॉरेस्ट्री में, भूगर्भ विज्ञान, एग्रीकल्चर, स्टेटिस्टिक्स, और ये आपका पर्यावरण विज्ञान हो गया, इनमें से 2 या अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि यानी इंजीनियरिंग कर रखा हो, या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए इन सब्जेक्ट्स के साथ में, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अधिमानी अर्हता है, मतलब कि इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, परंतु यदि आपके भी 100 में से 90 नंबर है, दूसरे के भी 100 में से 90 नंबर है, और अंतिम सीट का चयन होना है, तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जो अधिमानी अर्हता रखता होगा, ठीक है। अधिमानी अर्हता में क्या है कि भाई टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक की सेवा की हो या NCC का बी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आपको यहाँ पे लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है 21 साल से लेकर 40, 21 से 40 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए 1 जुलाई को, ठीक है, जिस वर्ष भर्ती निकलेगी उस वर्ष की 1 जुलाई को आपकी उम्र 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी रिजर्वेशन की बात की जा रही है, जो रिजर्वेशन होगा ST/ST OBC के लिए वो मिलेगा। आप फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो अगर नॉर्मली बात करें, सभी की बात करें, जनरल SC
ओबीसी इन सब की बात करें, एसटी की, तो पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट है, और चेस्ट क्या होनी चाहिए इंपॉर्टेंट है 84 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, और महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। एक यूनिक सी चीज है महिलाओं के लिए, कहीं भी किसी भी भर्ती में उनका मतलब ये सीना नहीं नापा जाता, ठीक है, यहां पर है 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति गोरखा है, नेपाली है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, तो पुरुष के लिए 152.5 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर इसमें है वो होना चाहिए। फिजिकल क्या होगा, जो पुरुष अभ्यर्थी है उन्हें 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा, पैदल चाल का परीक्षण होगा, और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर का महिला चाल ये होगा मतलब परीक्षण ये देना होगा। तो तमाम तरह की इस तरह की चीजें हैं, ये आपको पूरी समझ में आ गई होगी। देखते हैं आगे और भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो पे ग्रेड आप देख सकते हैं, यहाँ पे वन दरोगा का 2900 ये ना आप चला गया, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी का ये हो गया, ठीक है, ये आप पूरी जानकारी इसमें देख सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हैं। तो वो नोटिस आपने पूरा का पूरा देख लिया है, समझ लिया है, मैंने सब बताया था, थोड़ी बहुत आवाज इधर उधर हुई होगी तो आपने एडजस्ट कर लीजिए। तो जो पद हैं वो आपने देखा 564 के आसपास पद हैं, वो वन अधिकारी के हैं तो उनका तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो 2300 प्लस पद हैं इनमें से भी मात्र 50% पद ही ओपन भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1200 प्लस पद के आसपास आपको बंदरों देखने के लिए मिल सकते हैं, ये सरकार द्वारा कोई भी आयोजित। शैक्षणिक अर्हता योग्यता क्या है, ये हाइट वाइट सब उसमें आपको पता लगी है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और आयु सीमा आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच में। आगे कोई भी अपडेट इसकी ऑथेंटिक मिलती है तो मैं आपको सारी की सारी जानकारी दे दूंगा, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। साथ में एक बात मैं आपको ये बता देता हूं कि संभवतः यह भर्ती पैट के आधार पर ही आएगी। किसके आधार पर, पैट के आधार पर ही यह भर्ती आएगी। तो यदि आपने पैट नहीं दिया है तो इस बार अगले पैट को देने की तैयारी आप कर लीजिए, यह बहुत स्वर्णिम अवसर है, इसको खोना नहीं चाहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मैं हूँ राम भरद्वाज, जय हिंद जय भारत।